नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अगले 45 मिनट में हम आपको संसद के शीतकालीन सत्र से लेकर संभल हिंसा में अपडेट की सभी खबरें दिखाएंगे। न्यूज 360 में आज सियासत की कई बड़ी खबरें हैं। खबर आपको सावधान करने वाली भी है। खबर उस कॉल की भी है जिसमें पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे संसद की खबर से। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की ही भेंट चढ़ गया, जिस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को 29 नवम्बर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पक्ष के हंगामे का सबसे बड़ा असर सदन में पेश होने वाले बिलों पर पड़ रहा है। इस सत्र में एक भी बिल सदन में पेश नहीं हो पाए, जिनमें वक्फ भी बिल भी है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑनरेबल मेंबर्स, दिस चेंबर इज मोर देन जस्ट हाउस ऑफ डिबेट। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है, आप अपनी अपनी सीट पर दें। शीतकालीन सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सदन में चर्चा की शुरुआत होने का इंतजार खिंचता ही चला जा रहा है। गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की ही भेंट चढ़ा। शुरुआती दो दिनों के हंगामे और शोर शराबे का आलम सदन में गुरुवार को भी रहा। सोमवार और बुधवार को जहां अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं गुरुवार को केरल की वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ लेने के तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जोरों का हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक न सुनी। सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है, आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया है और दूंगा। संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है, आप अपनी अपनी सीट पर दें। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। वहीं राज्यसभा में शुरुआती हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ अपनी सीट पर पहुंचे ही थे कि विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। दिस चेंबर इज मोर देन जस्ट हाउस ऑफ डिबेट। आवर नेशनल स्पिरिट हैज टू इको फ्रॉम हियर। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज नॉट रेमेडी, इट्स अ मेलेडी। इट वीकन्स आवर फाउंडेशन। इट स्लाइड्स पार्लियामेंट इनटू इररेलेवेंस। सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे, सभापति और अध्यक्ष के बार बार समझाने के बाद भी जब विपक्षी सांसद नहीं माने, तो आखिरकार दोनों सदनों की कार्यवाही को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में हंगामे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। सभापति महोदय, सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके अपने फैसला किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। ये शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स पार्लियामेंट है, पुराने सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में। दरअसल शीतकालीन सत्र में सदन में कई अहम बिल पर चर्चा होनी थी, तो कई विधेयक को कानून का रूप देने की तैयारी थी, लेकिन हंगामे के कारण कोई भी बिल सदन के पटल पर नहीं रखा गया। हाँ, लेकिन हंगामे के बीच ही लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पर ब्रेक जरूर लग गया। दरअसल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी। जेपीसी की अगुवाई कर रहे जगदम्बिका पाल का दावा था रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर अड़े थे और जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होने के एक दिन पहले ही इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया।
जेपीसी कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश। बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन सदन में रिपोर्ट होगी पेश। जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव किया पेश। दरअसल जेपीसी के गठन के बाद से ही विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। सांसद आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं जगदम्बिका पाल का कहना है कि सबको अपनी राय रखने का समान अवसर दिया गया है। मुझे लगता है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त जो स्पीकर साहब ने बनाया, पिछले 3 महीने में लगातार 29 मीटिंग्स हुई, मोर देन 147 डेलीगेशंस आए, जिसमें स्टेट के ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम्स के जितने संगठन हैं, चार इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, चाहे जकात फाउंडेशन हो, चाहे तमाम सभी संगठनों को मैंने अवसर दिया। तो जेपीसी के सामने जो मैंडेट था यही था कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ हम मीटिंग करें। बुधवार को ही जेपीसी की 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद जगदम्बिका पाल ने जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। लेकिन सदन में जब विपक्षी सांसदों की मांग पूरी कर ली तो भी हंगामा नहीं थमा। वक्स अमेंडमेंट बिल को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अब उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्स अमेंडमेंट बिल का, जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव रूप का, तो भी खुद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने थे, जिसमें फिलहाल जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सदन में 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाने हैं तो 5 विधेयक कानून बनाने की मंजूरी के लिए रखे जाने हैं, लेकिन सदन में हंगामे के कारण फिलहाल इंतजार ही इंतजार है। 11 AM on Friday, the 29th November 2024. तो एक तरफ जहां संसद में बवाल मचा हुआ है, अब दूसरी तरफ राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दावा किया गया है कि एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर याचिका भी स्वीकार कर ली है, लेकिन अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला क्या है। क्या राजस्थान की अजमेर दरगाह वाकई में कभी शिव मंदिर थी? क्या शिव मंदिर को तोड़कर अजमेर की इस शरीफ दरगाह को बनाया गया? क्या वाकई में हिंदुओं की आस्था पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण करके इस दरगाह को बनाया? क्या इस दरगाह में कई ऐसे सबूत हैं जो हिंदू मंदिर की ओर इशारा करते हैं? ये सवाल उस दावे के आधार पर उठ रहे हैं जो राजस्थान में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने किए। दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे वाली याचिका स्वीकार भी कर ली है। पहले आप ही जानिए, फिर आपको अजमेर दरगाह की पूरी कहानी भी बताएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर के सिविल कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। नोटिस अजमेर दरगाह कमेटी, ASI और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अजमेर के सिविल कोर्ट में इस याचिका को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया है। याचिका में भगवान महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह के स्थल पर पहले एक शिव मंदिर था। इसको लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में कई सबूत रखे हैं। पहले इनके तर्क सुनिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत को हमने दिए हैं, उनके समक्ष रखे। अदालत ने भी हमसे पूछा क्या क्या साक्ष्य हैं, हमने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और समझाया। और जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरबिलास सारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे, और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है, उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाज़ा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू
हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। दरगाह जाएंगे तो दरगाह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। और उसके साथ साथ ही वहाँ झालरा कहते हैं, जो झरना जैसे बोलते हैं, जहाँ भी शिव मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, वहाँ पानी जरूर होता है, आप कहीं पर भी देखेंगे। तो वहाँ बहुत बड़ा झरना था पहाड़ों के बीच, आप दरगाह देखोगे तो वो वहाँ शिव मंदिर ही था पहाड़ों के बीच में, उसको तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई। ये सारी चीज़ें हमने सारे साक्ष्य माननीय अदालत को दिए हैं और ये सारी चीज़ें बहुत रिसर्च किया है और बहुत करने के बाद वहाँ के लोगों से भी हमने पूछा तो वहाँ के लोग भी बताते हैं, जो बूढ़े लोग हैं अभी भी 60-70 साल के, वो बोलते आ रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम दरगाह जाते थे पिताजी के कंधे पे बैठ के, तो वहाँ नीचे तहखाना है, उस तहखाने में भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और ऊपर मटके से पानी टपकता था। और एक सच्चाई और भी है कि वहाँ काफ़ी समय तक, आज से 50 साल पहले तक, वहाँ पे एक पुजारी वहाँ पूजा करता था नियमित, और उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता था। अब उसका क्या हुआ था पता कुछ नहीं, हम ऐसे साक्ष्य भी बहुत सारे पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से अपने धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है, लिहाजा इस मामले को लेकर दो समुदाय सीधा आमने सामने आ गए हैं, इसलिए मुस्लिम पक्ष के दावों को भी जानना जरूरी हो जाता है। इस विवाद पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के अध्यक्ष और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसरुद्दीन चिश्ती सामने आए हैं और इस मामले में उन्होंने जस्टिस गुलाम हसन कमेटी की क्लीन चिट का भी तर्क रखा है। अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो आले नबी औलादे अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान, 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ, उसके बाद से ये दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है, तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ गई और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस दरगाह पे पेश किया है। अब तक ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं, मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इस मामले में इंटरवीन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की रोकनी ना उठे और ना ही उनकी नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पर सवाल किए जाएं। देखिए जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी, जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्ट सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी, उसमें थॉरली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में, तमाम बिल्डिंग कब बनी, कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कितना दरगाह का एरिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरा चेकवार्ड हिस्ट्री डिस्कस की गई है और कहीं से भी किसी भी धार्मिक इस दरगाह के अंदर मंदिर का या उसके अवशेष होने का जिक्र नहीं है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी गुजरे, उनकी कई किताबें हैं खली नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। हिंदू पक्ष की याचिका में जो दरगाह को मंदिर होने का दावा किया गया उसके पीछे के मुख्य 3 आधार बनाए गए हैं। पहला, दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह बताया गया है, नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा, दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर। दरगाह के ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिर के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देती है। गुंबदों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह बनवाया गया है। तीसरा, पानी और झरने। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। राजस्थान के अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। हिंदू पक्ष अपनी याचिका में इस किताब में किए गए दावों को मुख्य आधार माना है। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास सारदा की 1911 में लिखी किताब, इसी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया, साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। अब आपको किताब के दरगाह के बारे में किए गए जिक्र की तरफ ले चलते हैं, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। अंग्रेजी में लिखे गए इस किताब में 168 पन्ने हैं। इसमें दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक अलग चैप्टर है जिसमें ख्वाजा के जीवन काल और उनकी दरगाह का ब्यौरा दिया गया है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर गेट में जो 3 मंजिला छतरी है वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से में बनी थी। उसकी खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग के बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है।
पेज नंबर 96 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजे और भीतरी आंगन के बीच का आंगन उसके नीचे पुराने हिंदू इमारत के तहखाने हैं। अगले पन्ने पर लिखा है कि परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन लगाता था। हिंदू पक्ष ने इसी किताब में लिखे गए इन तथ्यों को ही अपनी याचिका का आधार बताया है और याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से दरगाह का सर्वेक्षण करने की भी अपील की गई है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ओएसी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है तो बीजेपी भी अतीत का हवाला दे रही है और सपा इस मामले में शामिल हो गई है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर? ये रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा, डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं, देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहे बस। सियासत अपनी जगह है, तथ्य भी अपनी जगह है क्योंकि कोर्ट के निर्णय तथ्यों के आधार पर ही आता है। अजमेर के बारे में भी रोचक तथ्य है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। जज हरविलास ने अपनी किताब में भी जिस मंदिर का जिक्र किया है उसको बनवाने का श्रेय अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को ही दिया है। फिलहाल इसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगा। 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी है। और अब खबर संभल में हुई हिंसा की अपडेट की है। संभल हिंसा को लेकर एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जो हिंसा के पहले का बताया जा रहा है। ऑडियो में दो दंगाइयों के बीच बातचीत हो रही है। इसी ऑडियो के आधार पर पुलिस ने कई और अपराधियों की पहचान भी की है और गिरफ्तारी भी की है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में पुलिस के बीच दिख रहा ये वो व्यक्ति है जिसके मंसूबे बेहद ही खतरनाक बताए जा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा को भड़काने वाले प्राइम सस्पेक्ट्स में से ये एक है। ये वो व्यक्ति है जिसने संभल हिंसा का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वीडियो में ये आरोपी बेहद उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। इसका नाम फरहत बताया जा रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, संभल हिंसा को लेकर दंगाइयों के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। गाँव मस्जिद से इधर हुआ थोड़ी नहीं मल जा तरफ को इधर को मतलब जाओ मेरे भाई का घर है हां मेरे भाई का घर है मेरे भाई का वहां पे सामान लाइए सामान। हेलो हेलो, अरे सुभान भाई ऐसा है अपने मोहल्ले से जितों को लेके आए सबको लेके आ जाओ जहां मस्जिद पे। अच्छा हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया तमाम पब्लिक पब्लिक। अच्छा हाँ। हालांकि DDUP इस वायरल ऑडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है लेकिन दंगाइयों के इस ऑडियो क्लिप पर संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑडियो में सामने आए नामों के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है इन तीनों ने 49 दंगाइयों के नाम भी बताए हैं जिनकी पहचान पुलिस कर रही है। इन सभी ने आपस में बात करके भीड़ को मस्जिद के पास आने को कहा था। संभल हिंसा को लेकर अभी तक कुल 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने पहले 25 लोगों को गिरफ्तार किया और 7 FIR दर्ज की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 30 टीमें गठित की गई हैं। CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है।
उपद्रवियों की 100 से ज्यादा तस्वीरें भी जारी की गई हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश भी तेजी से कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जो जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है, ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोज और फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। संभल हिंसा के बाद से ही पुलिस आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सिर्फ आरोपियों को ही नहीं, हिंसा में इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ये तस्वीरें बरामद किए गए उन्हीं अवैध हथियारों की हैं जिनका इस्तेमाल संभल हिंसा में किया गया था। लीगल वेपन्स वहां से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहां पे मौके पर उसी दिन वहां से और वहां से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए। संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। बाजारों में दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन मस्जिद के पास की दुकानें अभी तक बंद हैं। इसको लेकर पुलिस ने अपील भी की है कि लोग काम पर लौटें। वहीं शुक्रवार को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया है। इसे देखते हुए बुधवार को पुलिस प्रशासन ने एक हाई लेवल की बैठक की, जिसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। हमारी तैयारी पूरी है। जितने लोग जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे, सामान्य तौर पर जो जहां नमाज अदा करता है वहां पे नमाज अदा करेगा। बाकी अगर कोई अगर इस तरीके की चीज़ जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने तैयार हैं। सब जगह अलर्टनेस है, क्योंकि कल एक इबादत करने लोग जाएंगे, जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, उसमें बाहरी तत्व कोई किसी तरीके से न करने पावे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इबादत करने वाले लोग इबादत ही करेंगे, कोई और चीज़ नहीं करेंगे, और उनके ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है। लोगों से बातचीत भी की जा रही है और सभी ने एश्योरेंस दिया है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो घटित हुई जो किसी के लिए भी लाभकारी हो, सबको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो सभी लोगों ने हमें एश्योरेंस भी दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हम लोगों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं, हम सब कुछ सकुशल निकालेंगे। संभल के संवेदनशील इलाके में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने इंटरनेट को अभी भी बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ मामले सियासत भी गर्म है। सपा जहां एक तरफ आरोपियों की वकालत कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को संसद में भी उठा रही है। वहीं बीजेपी सपा को उपचुनाव में मिली हार की खींच बता रही है। न करें, अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खींच उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत नुकसान उठाएगी। चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो, वह मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है, और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो भी करेगा। आज की डेट में जो मेन इशू है, हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो, और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। ये पूरा एक तरह का रोड मैप बना हुआ है, जिस तरह पुलिस वाले हैरेसमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों का, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो अपने बर्ताव जो कर रहे हैं, पहले वो FIR लिखवाते हैं, फिर उनसे लगातार वसूली करते हैं। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंक कर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है, और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। सपा भले ही मामले में सियासत कर रही हो, लेकिन योगी सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार हिंसा में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए आरोपियों से वसूली करने की तैयारी भी कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे, इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। और अब खबर आपको गांधी परिवार से जुड़ी दिखाते हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी पहली बार
संसद पहुंची। प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीता था। प्रियंका ने आज संसद में शपथ लेते ही गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अपने भाई राहुल गांधी की ही तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। प्रियंका गांधी लोकसभा जाने वाली गांधी परिवार की 16वीं सदस्य हैं। पहली बार गांधी परिवार से माँ और दो बच्चे एक साथ सांसद हैं। दूसरी बार होगा कि लोकसभा में गांधी परिवार के भाई बहन सांसद रहेंगे। इससे पहले 1953 में जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी संसद में थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ के लिए बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी पहुंची थीं, जबकि भाई राहुल गांधी भी साथ थे। इसी दौरान जब प्रियंका गांधी संसद की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो राहुल गांधी ने उन्हें रोककर तस्वीर ली। हालांकि तस्वीर लेते समय कांग्रेस के कई सांसद भी आ गए। केरल की वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ में साड़ी भी केरल की पारंपरिक पहनी थी। प्रियंका ने केरल की पारंपरिक कास्वू साड़ी पहनी थी। साड़ी के किनारे पर सुनहरे ब्रॉकेट के काम को कास्वू कहते हैं। पारंपरिक रूप से कास्वू महीन सोने या चांदी से बने धागे को कहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार में दादी इंदिरा, माँ सोनिया और भाई राहुल के बाद चौथी सदस्य हैं, जो दक्षिण भारत से संसद पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने जहां संसद में सांसद के तौर पर शपथ ली, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन का पूरा जमावड़ा भी दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। इसी के साथ झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में लगातार दूसरी बार जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने हैं। झारखंड में सीएम की कुर्सी पर 2210 दिन बैठने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा के नाम है। हेमंत सोरेन 2169 दिन सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। चौथे कार्यकाल में 40 दिन होते ही झारखंड में सीएम कुर्सी पर सर्वाधिक दिन बैठने का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम हो जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर विपक्षी गठबंधन का जमावड़ा लगा था। विपक्ष के अधिकतर बड़े नाम मंच पर मौजूद थे। शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे रांची। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन भी मंच पर थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है, मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है झारखंड को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए। 5 साल सरकार चलाएंगे और झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन अपने पिता और जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के घर पहुंचे थे और उनसे आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर भी पिता शिबू सोरेन और मां मौजूद थी।
और अब खबर आपको वो दिखाते हैं जो है तो मुंबई से, लेकिन उसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में पीएम मोदी को लेकर एक धमकी भरी कॉल ने सनसनी फैला दी। किसने दी ये धमकी, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कॉल करने वाला शख्स साधारण था, लेकिन कॉल साधारण नहीं थी, ये एक धमकी भरी कॉल थी। धमकी भी किसी आम इंसान के लिए नहीं थी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन पीएम मोदी को लेकर था। पीएम को धमकी, साजिश किसकी? मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में गुरुवार को एक धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाली महिला ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस ने 34 साल की एक महिला को हिरासत में लिया, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। महिला ने शरारत में कॉल कर दिया था। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस को फिलहाल महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। पीएम मोदी को पिछले 6 सालों में अब तक 4 बार धमकियां मिल चुकी हैं। कब कब पीएम को मिली है जान से मारने की धमकी, इसे भी जान लेते हैं। साल 2018 में महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के शख्स ने फेसबुक पेज पर पीएम मोदी को धमकी दी थी। साल 2022 में जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। साल 2023 में हरियाणा के एक युवक ने वीडियो वायरल कर पीएम को धमकी दी थी। साल 2024 में एक महिला ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके धमकी दी। पीएम मोदी को कॉल पर धमकी देने वाली आरोपी महिला से जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसने ये कॉल प्रैंक के तौर पर किया था। धमकी भरे कॉल के बाद पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी भी अलर्ट हो गए हैं और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। क्या है एसपीजी जिसके पास पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इसे भी जान लीजिए। पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के पास है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी के जवानों का ही होता है। इनके पास एमएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। एसपीजी के जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। पीएम के किसी राज्य के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख 4 एजेंसियों के हाथों में होती है, एसपीजी, एएसएल, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। इनमें पीएम के सबसे करीब एसपीजी की तैनाती होती है। एसपीजी पीएम के करीब आने वालों की तलाशी और पीएम के आसपास की सुरक्षा को देखता है। पीएम मोदी की एक दिन की सुरक्षा का खर्च 1,62,00,000 होता है। पीएम मोदी की एक दिन की सुरक्षा का खर्च 1.62 करोड़। पीएम की सुरक्षा पर रोज 1,62,00,000 का खर्च होता है। साल 2020 में संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी जानकारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया था कि एसपीजी सिर्फ पीएम को ही सुरक्षा देता है। साल 1981 में पहले पीएम के सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के पास थी। 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया। पीएम मोदी को मिली धमकी के बाद से ही पीएम मोदी आवास और आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में धमकी का ये मामला गंभीर नहीं लग रहा है, लेकिन बात देश के प्रधानमंत्री की है, इसलिए इस धमकी की पुलिस हर एंगल से जांच करना चाहेगी। और अब खबर आपको सावधान करने वाली है। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठगी के ताजा मामला मुंबई से आया है, जहां करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी बताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जिंदगी भर की कमाई साइबर ठगी में गंवाई। देश में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग जब तक समझ पा रहे हैं कि उनके साथ कोई स्कैम हो रहा है, तब तक दरअसल वो ठगे जा चुके रहते हैं। लेकिन क्या हो साइबर ठग किसी के जीवन भर की कमाई ही ठग लें। साइबर ठगी के 2 ऐसे ही ताज़ा मामले मुंबई से आए हैं। दोनों ही मामलों में कुल ठगी की रकम लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और दोनों ही पीड़ित बुजुर्ग हैं। यानी ठग ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको डिजिटल ठगी नाम की चीज का अंदेशा भी नहीं है। ठगों ने 2 बुजुर्गों से उनकी जिंदगी भर की कमाई ही ठग ली है। जालसाजों ने मुंबई में रहने वाले 75 साल के रिटायर्ड शिप कैप्टन से 11,16,00,000 रुपए ठग लिए। समझिए क्या है पूरा मामला। साइबर ठगों ने 75 साल के रिटायर्ड शिप कैप्टन को शेयर मार्केट से हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर फंसाया।
पैसे निकालने की कोशिश पर उन्हें 20% सर्विस टैक्स देने के लिए कहा गया। पीड़ित बुजुर्ग ने 5 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच करीब 22 बार ट्रांजैक्शन करके ठगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। पीड़ित बुजुर्ग ने कुल 11 करोड़ 16 लाख रुपए गंवा दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले में हिस्ट्री शीटर कैफ इब्राहिम मंसूरी का नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इब्राहिम मंसूरी के पास से 12 अलग अलग बैंक अकाउंट के 33 डेबिट कार्ड और 12 चेकबुक बरामद किए। मुंबई के दूसरे साइबर ठगी मामले में भी पीड़ित एक बुजुर्ग ही है, जिनके पास से करीब करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। 77 साल की बुजुर्ग महिला को एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। पूरे मामले को तफ्तीश से समझिए। बुजुर्ग महिला को करीब एक महीना पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल पर ठग ने फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर महिला से बात की। ठग ने महिला को बताया कि महिला का आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद आईपीएस ऑफिसर बताने वाले एक व्यक्ति ने कॉल करके महिला से उसके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी, जिसके बाद दूसरे ठगी ने अपने आप को फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर बताकर महिला से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। ठग ने कहा कोई गड़बड़ी न पाई जाने पर वो ये पैसे वापस कर देंगे। ठगों ने महिला का विश्वास जीतने के लिए पहली बार में उसके भेजे 15 लाख रुपए वापस कर दिए। बाद में ठगों ने महिला और उसके पति के ज्वाइंट अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने कई ट्रांजैक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए 6 अकाउंट में ट्रांसफर किए। पैसे वापस न मिलने पर महिला को शक हुआ, जिसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन 6 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इन दो साइबर ठगी के मामलों से एक बात तो साफ हो जाती है कि साइबर ठगों के निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं, शायद क्योंकि उनको गुमराह करना आसान होता है। लेकिन सरकार लगातार साइबर ठगी जैसे मामलों से लोगों को बचाने के लिए जागरूक करने में लगी है। पीएम मोदी भी पहले ही बुजुर्गों को साइबर ठगी से बचने के लिए आगाह कर चुके हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि साइबर ठगों से कैसे बचा जाए, तो उसका जवाब भी जान लीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को ना उठाएं। अगर फोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं, बस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर ना करें। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें। फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें। अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू कॉलर जैसे ऐप से वेरीफाई जरूर करें। देश में साइबर ठगी को रोकने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग साइबर ठगी से बच सकें। पीएम मोदी भी मन की बात पर डिजिटल अरेस्ट और उससे बचाव का जिक्र 2 बार कर चुके हैं। साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन हर मुमकिन प्रयास में लगा है। DDUP भी अपने दर्शकों से इस मामले में जागरूक रहने और समाज में जागरूकता फैलाने की अपील करता है। अब ये बात तो जग जाहिर है कि कोई जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर किसी को जेल हो गई हो तो फिर बाहर आकर कैसी खुशी मिलती है, इसका सबूत मिला कन्नौज में, जहां एक कैदी बाहर आया तो जेल के गेट पर ही खुशी में झूमने लगा। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं। खुशी में प्रभु देवा बना शख्स कैदी था। जेल से बाहर निकला तो खुशी में जेल के गेट पर ही ब्रेक डांस कर झूमने लगा। जेल से रिहा होने की खुशी में ब्रेक डांस करने वाले शख्स का नाम शिवानागर है। ये छिबरा मऊ का रहने वाला है। शिवानागर पिछले 9 महीने से जेल में बंद था। मादक पदार्थ के केस में शिवानागर को गिरफ्तार किया गया था। केस में 1 साल की सजा मिली थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से जुर्माना नहीं भर पाया। लेकिन रिहाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कोशिशों से बुधवार को वो रिहा हुआ। शिवा के साथ एक और कैदी को भी रिहा किया गया।
जेल से बाहर आने के बाद शिवानागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गेट से बाहर आते ही उसने अपना झोला एक तरफ रखा और ब्रेक डांस करने लगा। वीडियो में पीछे खड़े पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, साथ में वकील भी वीडियो में दिख रहे हैं। करीब एक दो मिनट तक ब्रेक डांस करने के बाद लोगों ने शिवानागर के लिए तालियां भी बजाई। किसी ने कैदी के ब्रेक डांस का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लखनऊ के आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी 28 नवंबर से शुरू हो गई है जो 30 नवंबर तक लगी रहेगी। इसमें देश विदेश की कंपनियां आई हुई हैं जो रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यहां प्रदर्शित कर रही हैं। इनो रेल प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा ने आरडीएसओ लखनऊ के महानिदेशक उदय बोरवड़कर से विशेष बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नित्य नए प्रयोग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है और इसी इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो इसका हिस्सा है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यहां आरडीएसओ लखनऊ जो स्टेडियम है वहां पर एक इनो रेल प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है जो 3 दिन तक चलेगी। और इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आरडीएसओ के महानिदेशक दूरदर्शन के साथ हैं। ये जो इनो रेल प्रदर्शनी है ये एक्चुअली अब ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी है और इसमें देश विदेश से एग्जिबिटर्स जो रेल रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा जो ये नाम है प्रदर्शनी का वही इनो रेल है, मतलब इनोवेशन इन रेलवेज। तो नए नए विचार, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी जो रेल के सफर को और अच्छा, आरामदायक और सेफ और रिलायबल बना सके, उसके लिए ये प्रदर्शनी है। सर, आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है तो देश के बाहर से भी कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? विभिन्न देश जो हैं, जो रेल रोड्स में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, यूके है, इस तरह के जो देश हैं जो जहाँ पे रेल रोड सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। भारत से भी हमें गर्व है कि बहुत सारी भारतीय कंपनीज जो कि स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे यंग स्टार्टअप्स हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, वो लोग भी इसमें प्रदर्शनी कर रहे हैं। सर, अभी हम लोग ने बाहर जो स्टॉल एग्जिबिटर हैं उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उनकी अपेक्षाएं, तो उन्होंने बताया कि रेलवे के और आरडीएसओ के बड़े अधिकारी उनके स्टॉल तक आए, देखें, समझें उनकी टेक्निक को। तो सर, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है? हमारे उच्च अधिकारी जो भारतीय रेल के हैं, ना सिर्फ आरडीएसओ के लेकिन भारतीय रेल से भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इवन रिटायर्ड अधिकारी भी आए हैं और हम सभी इन स्टॉल्स पे व्यक्तिगत रूप से जाके और हर एक स्टॉल को अच्छे से देखेंगे, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग है उसको समझेंगे। और न सिर्फ आज और कल और परसों बल्कि मैं तो इससे व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ ताकि तैयारियाँ बहुत अच्छी हों, और कल भी हमने बहुत समय बिताया है इस बात के लिए। और आप आश्वस्त रहें, सभी लोग आश्वस्त रहें कि हम हर एक स्टॉल को बहुत गौर से देखने वाले हैं और उनसे हमें बहुत अच्छे टेकअवेज और लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ आरडीएसओ ने दिया है, आरडीएसओ स्टेडियम में ये एग्जीबिशन 30 तारीख तक लगी रहेगी और कोई भी यहाँ पर आकर रेलवे को समझ सकता है, आरडीएसओ की वर्किंग को समझ सकता है और आरडीएसओ क्या नया लेकर आया है, रेलवे क्या इनोवेशन कर रहा है उसको जान सकता है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय महिला परिषद सिटी ब्रांच सुबोधिनी प्रयागराज की अध्यक्ष रचना अग्रवाल ने अपने लखनऊ यात्रा पर थी। रचना अग्रवाल ने इस दौरान निराश्रित और पॉस्को एक्ट में पीड़ित लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के विषय में जानकारी दी। रचना अग्रवाल ने पीड़ित लड़कियों को वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजकीय लखनऊ में बालिका लखनऊ में एक ड्राइव आयोजित कर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान लड़कियों को वैक्सीन लगाया गया, साथ ही लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो न्यूज 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।